खा लो बेटा, वरना ठंडा हो जाएगा। दो मिनट बात करे। दो मिनट बात करे। क्यों नहीं? What is it? रजत, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं हमको तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अनु। लेकिन हम किसी और को भी तो पे भरोसा है ना? उत्तू, देख इस बार तू कुछ गड़बड़ मत करना, ओके? बिहेव प्रॉपरली, अपना खाना खाओ। अरे ईशा। यस मैम। सब ठीक, सब ठीक। काफी लेट हो गए हो तुम। अरे वो जॉब से लेट निकला तो ट्रेन छूट गई, सो बस ले निकली। सड़ते रहो बेटे, किसी पीती जॉब में। हाँ भैया सुनाइए, मारिए जितने ताने मारने हो, क्योंकि कल से सब कुछ बदलेगा। हाँ कल से सब बदल जाएगा। चलो आप दोनों खाते खाते बात कर लेना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ईशान, तुझे जो बोला था। हाँ भैया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैं घर पे क्यों ना बताऊँ कि मैं यहाँ आया हूँ। वो क्या है ना, अरे चाचू कल जब आप इंटरव्यू पास करके आओगे तो हम साथ में ही जाएंगे ना आपके घर सरप्राइज देने। रणबीर चाचू और चाची को पापा ने सब प्लान कर लिया है। ये आइडिया बढ़िया है। भैया आप सबकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? नहीं वो बैंडेजेस। अरे कुछ भी कुछ नहीं, वो तो हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया था यहाँ कैंप में। लेकिन उत्तम तो काफी छोटा है। अरे अरे पागल थोड़ी हम, उसे थोड़ी करवाएंगे, वो तो चोट लगी है। तो भैया कैसा लग रहा है आपका कोल का बिजनेस? अरे इंक्वायरी कर रहे हो क्या? अच्छा इंक्वायरी का बिजनेस से क्या लेना देना? नहीं नहीं भैया, मैं से पैसे नहीं ले रहा हूं। इंक्वायरी जो जो जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। ओके जैसे ये सब्जी का टेस्ट काफी बढ़िया है, एकदम लाल चट्टा। वाह वाह।
तेजस्विनी देवी जी, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? देखो सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई मत करते रहना, अरे बाहर जाओ घूमो फिरो दोस्तों के साथ। अरे चाचू, आई डू ऑल ऑफ दैट। मेरे पापा इतने भी खड़ूस नहीं है जितने दिखते हैं। एंड यू उत्तम, तुम कैसे हो? चाचू के साथ आइसक्रीम खाने नहीं चलोगे? उसे जाने दो, वैसे भी वो सास के बाद वो काफी चुपचाप रहता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। जब वो सब हुआ, प्लीज ठीक रहेगा अगर हम उस बारे में बात ना ही करें तो। चले जाओ। चाचू एक फ्री एडवाइस, अगर रात को आपको कोई आवाज सुनाई दे तो अच्छा रहेगा कि आप अपने रूम में ही रहे। अरे छेड़ रही हो तुम्हें, जानती हो कि तुम थोड़े डरपोक हो। एंड इट्स ओके, डरो मत। वो इसलिए बोल रही थी कि अनीता कभी कभी नींद में चलती है, स्लीप वॉकिंग। हादसे के बाद रजत यहाँ आएंगे आप? उत्तू आपसे कुछ बात करना चाहता है। बलिदान हमारे परिवार में सिर्फ हमें ही देना पड़ता है। हाँ हाँ सही है सही है।
दीदी कब तक हमें यह करना पड़ेगा? जब तक हमें जिंदा रहना है तब तक। We don't have a choice. उत्तू बेटा क्या हुआ, खा लो खाना। अगर तुम नहीं खाओगे तो क्यों मैं सब करना पड़ा? कब तक? क्यों आपने साथ ऐसा कोई चुना? देखो बेटा, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। मेरी लगता दीदी हमारे साथ ही रहेगी, इसी तरह हमें जीना पड़ेगा। हर 15 दिन में हमें ये काम करना होगा जो हम करते आए हैं, तो आदत डाल दो इसकी। तुम दोनों भी